गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब स्टडी पर। दोस्तों, जैसा आप सब जानते ही हैं कि हम टेस्ट सीरीज़ करवाते हैं यहाँ पर हर शाम 9 बजे। डेली शाम को 9 बजे टेस्ट सीरीज लाइव प्रीमियर में रहती है। तो आप जो भी अभी लाइव आ गए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें एक बार, और इसके साथ साथ चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ आकर लाइव प्रीमियर में जुड़े। तो एक बार जल्दी करें, चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए, और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो एक बार लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो ना कि केवल जेट के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन जेट ICAR BHU और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लेवल तक के भी क्वेश्चन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी सुपरवाइजर की भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में समथिंग 48 तक क्वेश्चन अटेंड कर लिए थे, आज उससे आगे चलेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और करते हैं आज के क्वेश्चन स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी के बीज में तेल की कितनी मात्रा होती है? सूरजमुखी के बीज में तेल की कितनी मात्रा होती है? 45 से 50%, 40 से 45%, 35 से 40% या फिर 50 से 55%? आप जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें कि सूरजमुखी के बीज में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है। जल्दी से ऑप्शन आंसर करें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है उनका राइट आंसर है, जो सूरजमुखी के बीज में तेल की मात्रा होती है वो होती है 45 से 50%। कितने प्रतिशत? 45 से 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क खेती की जाती है, शुष्क खेती की जाती है जहाँ की वार्षिक वर्षा है, जहाँ की वार्षिक वर्षा है। तो हमें बताना है शुष्क खेती किस क्षेत्र में की जाती है और वहाँ की वार्षिक वर्षा है वो कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 1000 mm, यानी 1000 mm तक वर्षा होनी चाहिए, या फिर 750 mm परंतु 1000 mm से कम, यानी 750 से लेकर 1000 mm के बीच की वर्षा जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर खेती की जाती है, जो शुष्क खेती होगी, या फिर 750 mm से कम वर्षा होती है वहाँ पर की जाएगी, या फिर 750 mm से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर की जाती है। तो जल्दी से आंसर करें चैट बॉक्स में, ऑप्शन ए राइट होगा या ऑप्शन बी, या फिर दो ऑप्शन और बचे हैं ये राइट होंगे। आपको बताना है शुष्क खेती की जाती है, शुष्क खेती कहाँ पर की जाती है जहाँ कितनी औसत वर्षा होनी चाहिए। तो जिन्होंने आंसर सी ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है, जिन्होंने आंसर सी ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है 750 mm से जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर शुष्क खेती की जाती है। वहाँ पर कौन सी खेती की जाती है? शुष्क खेती। और शुष्क खेती करने के लिए बीज दर रखी जाती है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शुष्क खेती करते हैं वहाँ पर बीज दर है जो 15% अधिक रखी जाती है। कितने प्रतिशत? 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षारीय मृदा का सुधार निम्न में से किसके प्रयोग से किया जाता है? क्षारीय मृदा का सुधार निम्न में से किसके प्रयोग से किया जाता है? जो क्षारीय मृदा होती है उनका सुधार, जिसमें क्षारकता ज़्यादा हो जाती है, उन मृदाओं का सुधार किस प्रकार किया जाता है, किसके उपयोग से किया जाता है? तो पोटेशियम सल्फेट के उपयोग से, जिप्सम के उपयोग से, जिंक सल्फेट के उपयोग से, या फिर चूना के उपयोग से? किसके उपयोग से है जो क्षारीय मृदा का सुधार करेंगे हम? जिन्होंने बी ऑप्शन आंसर दिया है, जिप्सम बी ऑप्शन उनका राइट आंसर है। जो क्षारीय मृदा होती है उनका सुधार जिप्सम डालकर किया जाता है। जिस मृदा में क्षारकता की मात्रा ज़्यादा हो जाती है,
सार की पीएच कितनी होती है? सार की पीएच कितनी होती है? तो जैसे न्यूट्रल होता है उदासीन, उदासीन के लिए पीएच 7 होती है। यदि इस 7 से पीएच ऊपर होगी तो सार होंगे। क्या होंगे? सार। और यदि पीएच 7 से कम होगी, पीएच 7 से कम होगी यानी 7 से पीएच कम होगी तो अम्ल होंगे। तो यहाँ सारी मृदा का सुधार पूछ रहे हैं। तो यदि हमें पूछा जाए कि सारी मृदा की पीएच कितनी होगी, तो 7 से अधिक पीएच होगी वो होगी सारी मृदा की पीएच। समझ गए? नेक्स्ट इसी में चूना दे रखा है। तो सारी मृदा का तो सुधार किससे करेंगे? सारे मृदा का सुधार करेंगे जिप्सम में। और यदि यहाँ पर चूना दे रखा और चूना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर होगा अम्लीय मृदा का सुधार। किसका सुधार? जो एसिडिक सोइल होती है, जो एसिडिक सोइल होती है यानी अम्लीय सोइल, अम्लीय मृदा होती है, उनका सुधार किससे किया जाता है? चूने से किया जाता है। किन से? चूना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किस तत्व को माना जाता है, किस तत्व को कहा जाता है? पोटास को, फास्फोरस को, बोरोन को या फिर जिंक यानी जस्ता को? जल्दी से आंसर करें। किस तत्व को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा माना जाता है? तो किसको माना जाता है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा? जिन्होंने ए ऑप्शन आंसर दिया उनका राइट आंसर है, किसको माना जाएगा? पोटास को है जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा माना जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर पोटास नहीं होगा, यहाँ पर होगा कोशिका की ऊर्जा मुद्रा फास्फोरस। क्या होगा? फास्फोरस पी। क्या होगा? पी। और जो यहाँ पर होता है ये पोटास के होता है जो सर्वाधिक कोशिका के अंदर पाए जाने वाला तत्व होता है, तो इस क्वेश्चन को क्लियर कर ले एक बार। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा तो कहलाएगा हमारा फास्फोरस, और कोशिका के अंदर सर्वाधिक तत्व पाया जाता है कौन सा? पोटास यानी के। के तत्व है जो हमारे कोशिका की अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज द्वारा परिवर्तन की मुख्य कमी है, बीज द्वारा परिवर्तन किया जाता है उसकी मुख्य कमी क्या है, उसकी ऐसी क्या विशेषता है जो इस द्वारा पूर्ण नहीं होती है? तो ये एक कठिन विधि है। नई संकर किस्में विकसित नहीं की जा सकती, या पौधे सामान्य या कम ओजपूर्ण होते हैं, या फिर पौधे मात्र पौधे के संदर्स नहीं होते हैं। तो चैट बॉक्स में आंसर करें। ये कठिन विधि है क्या? बीज द्वारा परिवर्तन की एक मुख्य कमी क्या है? ये हो सकती है, ये कठिन विधि है। नई संकर किस्में विकसित नहीं की जा सकती, पौधे सामान्य या कम ओजपूर्ण होते हैं, या मात्र पौधे के सदृश नहीं होते हैं। जिन्होंने ऑप्शन डी आंसर दिया उनका राइट आंसर है, ये पौधे मात्र पौधे के सदृश नहीं होते हैं। तो मात्र पौधे के सदृश कौन से पौधे होंगे जिनका परिवर्तन होगा? वो बीज द्वारा नहीं होकर किन से होगा? वेजिटेटिव पार्ट यानी कायिक भाग द्वारा। जैसे किसी पौधे की पत्ती है, किसी की जड़ है, किसी की टहनी है, उनसे जो परिवर्तन होता है वे पौधे होते हैं मात्र पौधे के सदृश होते हैं, उनके समान दिखाई देते हैं और उनके समान लक्षणों के होते हैं। जबकि बीज द्वारा जो परिवर्तन होता है उसमें पौधे की क्वालिटी अलग होगी, उनके गुण अलग होंगे और उनके अंदर विभिन्नता पाई जाएगी। तो ये एक कठिन विधि है, बीज द्वारा उत्पादन जो परिवर्तन होता है कठिन विधि है, और इनसे संकर किस्म विकसित की जा सकती है। की जा सकती है और पौधे हार्ड होते हैं यानी कम ओजपूर्ण होते हैं। यह सभी बात सही है, लेकिन बीज द्वारा परिवर्तन होता है वह पौधे
मात्र पौधों के समान नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितने किलोग्राम होता है? भारत में एक गांठ का वजन कितने किलोग्राम होता है? 160 केजी, 190 केजी, 170 केजी या फिर 210 केजी? कितने केजी होगा भारत में कपास की एक गांठ का वजन? जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है, जो भारत में कपास की एक गांठ का वजन होता है वो होता है 170 केजी। कितना होता है? 170 केजी। जिसने सी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है? निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है? अब मक्का की संकर किस्म बतानी है कौन सी है? गंगा, वन वन, किसान, अंबर या फिर विक्रम? या फिर विक्रम, यहाँ विक्रम है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है? जिन्होंने आंसर ए ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है, जो गंगा किस्म है वो मक्का की संकर किस्म है, वो मक्का की संकर किस्म है। तो मक्का की संकर किस्म कौन सी होगी? गंगा 11। कौन सी होगी? गंगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर की इष्टतम बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टर है? अरहर की इष्टतम बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टर है? कितनी एक हेक्टर के लिए अरहर की बीज दर ली जाएगी, सीड रेट ली जाएगी? 8 से 10 केजी या फिर 20 से 25 केजी या 12 से 15 केजी या फिर 35 से 40 केजी? अरहर की इष्टतम बीज दर कितनी ली जाएगी? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है, उनका राइट आंसर है 8 से 10 केजी। 8 से 10 केजी है जो अरहर की न्यूनतम बीज दर ली जाती है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान का वैज्ञानिक नाम कार्तेमस टिक्टोरियस है? किसका नाम है जो कार्तेमस टिक्टोरियस है? तिल का नाम है या फिर सूरजमुखी का या तारामीरा का या फिर कुसुम का? इन चारों में से किसका नाम है जो कार्तेमस टिक्टोरियस है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, राइट आंसर लिखो, कौन सा राइट आंसर होगा? तिल होगा, सूरजमुखी होगा, तारामीरा होगा या फिर कुसुम होगा? तो जिन्होंने आंसर कार्तेमस टिक्टोरियस या टिक्टोरियम, यहाँ पर टिटो है तो यहाँ पर टिक्टोरियम होगा, जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है, कुसुम का नाम है, वैज्ञानिक नाम जो क्या है, कार्तेमम टिक्टोरियस। क्या है? कार्तेमस या कार्तेमम टिक्टोरियस। और तिल का क्या होगा? तिल का होगा सिसेमम इंडिकम या सिसेमम इंडिका। और तारामीरा का होगा इरुका सटैवा। तारामीरा का नाम क्या होगा? इरुका सटैवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसीम में नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? बरसीम में जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण होती है वो किस बैक्टीरिया द्वारा होती है? राइजोबियम फेसियोलाई द्वारा, राइजोबियम जेपोनिकम द्वारा, राइजोबियम ट्राइफोलाई द्वारा, राइजोबियम मेलिलोटाई द्वारा? बरसीम के अंदर नाइट्रोजन स्त्रीकरण के लिए बैक्टीरिया की कौन सी प्रजाति काम आती है? बरसीम में नाइट्रोजन स्त्रीकरण के लिए बैक्टीरिया की कौन सी प्रजाति उपयोगी है या काम आती है? तो कौन सी बैक्टीरिया की प्रजाति है जो बरसीम में नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने का कार्य करती है? जिन्होंने आंसर बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन, राइजोबियम ट्राइफोलाई, उनका राइट आंसर है, जो राइजोबियम ट्राइफोलाई होती है वो बरसीम के अंदर नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने का कार्य करती है।
किसके अंदर, बरसीम के अंदर। और जो राइजोबियम मेलिलोटी है यह करती है रिज़गा मेती और सेंजी के अंदर, रिज़गा मेती और सेंजी के अंदर। किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्वेश्चन में, नो प्रॉब्लम, तो चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा आवश्यक पादप पोषक तत्व नहीं है, निम्न में से कौन सा आवश्यक पादप पोषक तत्व नहीं है, क्लोरीन, आयोडीन, मोलिब्डेनम या फिर मैंगनीज। ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पादप के लिए आवश्यक नहीं है, उसकी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है जितनी बाकी तत्वों की पड़ती है। क्लोरीन है, आयोडीन, मोलिब्डेनम या फिर मैंगनीज। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जिन्होंने आंसर ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी उनका राइट आंसर है, उनका राइट आंसर है। जो पादप में इतनी आवश्यकता जो यहाँ पर तत्व दे रखे हैं, इनमें से मोलिब्डेनम आवश्यक है, मैंगनीज आवश्यक है और क्लोरीन आवश्यक है। जो आयोडीन है उसकी आवश्यकता नहीं है, और ये आयोडीन है जो आवश्यक पादप पोषक तत्व भी नहीं है। इनको आयोडीन को आवश्यक पादप पोषक तत्वों के अंदर नहीं काउंट किया गया है, इनको अलग, जो बाकी पोषक तत्व होते हैं उनकी तरह ही आयोडीन नॉर्मल पोषक तत्व है पादप के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आलू में ट्यूबर कंद बनने के लिए अनुकूल तापमान होता है। यह क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसका मतलब अब की बार जेट 2021 के एग्ज़ाम में आने योग्य है, क्योंकि यह हर वीडियो में क्वेश्चन आलू का आ रहा है। तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें, सॉरी थोड़ी मिस्टेक है, तो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। जिन्होंने आंसर सी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। पिछले मुझे लगता है ऐसा 2-3 दिन से सीरीज आ रही है, तब इसी में यही क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया है। तो इस क्वेश्चन पर ज़्यादा जोर दें और इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है चीन, भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस कौन सा है सोयाबीन का, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है, जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है उनका राइट आंसर है, जो सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है वो चीन है। क्या है, चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट क्या कहते हैं इसको, SSP, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा है। सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर सल्फर की मात्रा कितना प्रतिशत है, सल्फर की मात्रा कितने प्रतिशत है, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी 12%। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें, और जो भी वीडियो में नए आए हैं वो वीडियो को एक बार दबाकर जी जान लगाकर लाइक कर दें, एक बार वीडियो को लाइक कर दें और बता दें कि कितने लोगों ने अभी तक वीडियो देख लिया है। और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी समय समय पर और लगातार ये टेस्ट सीरीज मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास जब भी क्लास स्टार्ट हो उससे पहले या क्लास के लगते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जिन्होंने सिंगल सुपर फास्फेट के लिए आंसर बी ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है जो 16% होता है जो सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर सल्फर पाया जाता है, और डबल डीएसपी के अंदर 32 हो जाएगा, और ट्राई सुपर फास्फेट के अंदर
16 और 16 32 और 16 48 यानी 48 48 प्रतिशत है जो सल्फर की मात्रा हो जाएगी। यहाँ कैंट खाली जगह की एक प्रमुख किस्म है। कैंट किसकी प्रमुख किस्म है? बरसीम की, रिजगा की, सोयाबीन की या फिर जई की? कैंट किसकी प्रमुख किस्म है? बरसीम, रिजगा, सोयाबीन या फिर जई? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। जिन्होंने आंसर डी ऑप्शन दिया है, जिन्होंने आंसर डी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है जो जई है। जई की कैंट किस्म है जो जई की प्रमुख किस्म है, जई की प्रमुख किस्म है। और इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कैंट किस्म से संबंधित या फिर जई की कौन सी किस्म है जो प्रमुख है, तो कैंट किस्म। कौन सी किस्म? कैंट। तो इसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोगी के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त है? हृदय रोगियों के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त है? सूरजमुखी, कुसुम, तिल, मूंगफली। और ये जो हृदय रोगी के लिए खाद्य तेल उपयुक्त पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार या काफ़ी बार है जो जेट एग्ज़ाम में और बीएचयू के लेवल पर पूछा गया है, और इसे एक दो बार सुपरवाइज़र के लेवल पर भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि आपका मिस ना हो ये क्वेश्चन। हृदय रोगी के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त है? जिन्होंने आंसर ए ऑप्शन दिया है, जिन्होंने आंसर ए ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है जो सूरजमुखी है। सूरजमुखी का खाद्य तेल होता है वो सर्वाधिक हृदय रोगी के लिए उपयुक्त होता है, सर्वाधिक उपयुक्त होता है। और इसी के साथ साथ कुसुम का भी होता है, क्योंकि इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वो कौन क्या पाए जाते हैं, वो होते हैं इसके अंदर लिनोलिक एसिड। क्या होते हैं? लिनोलिक एसिड। तो लिनोलिक एसिड की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है और सूरजमुखी में कम पाई जाती है। अति सबकी खराब होती है, यदि कुसुम का तेल ज़्यादा यूज़ किया तो ये हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए हृदय रोगियों के लिए बेस्ट या उपयुक्त तेल है जो कौन सा है? सूरजमुखी का तेल है। नेक्स्ट है, इसबगोल पैदा करने में निम्न में से कौन सा मुख्य ज़िला है? निम्न में से मुख्य ज़िला कौन सा है? बीकानेर, अजमेर, जालौर या फिर जयपुर? इसबगोल, इसबगोल का साइंटिफिक नाम है प्लांटेगो ओवेटा, प्लांटेगो ओवेटा। तो इसबगोल जो इसबगोल जीरा है, इसको सर्वाधिक किस जिले में उत्पादन किया जाता है या किस जिले में पैदा किया जाता है? बीकानेर में, अजमेर में, जालौर में या फिर जयपुर में? जिन्होंने आंसर सी ऑप्शन दिया है जालौर, उनका राइट आंसर है सर्वाधिक इसबगोल की खेती है जो जालौर के अंदर की जाती है। जालौर जिला में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, भारत के अंदर महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी है? ए चना, बी मटर, सी मसूर और डी उड़द। तो भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी दलहनी फसल है या कौन सी दलहनी फसल ज़्यादा उपयोग ली जाती है? चना, मटर, मसूर, उड़द। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी होगी? जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है, और जिन्होंने तुक्का भी मारा उनका भी राइट आंसर है, पर हर बार तुक्का काम नहीं आएगा तो तुक्के कम मारना और पढ़ने की कोशिश ज़्यादा करना। तो भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी होगी? वो होगी चना। क्या होगी? चना। कौन सी फसल गरीब आदमी की मित्र, कौन सी फसल गरीब आदमी की मित्र कहलाती है? गेहूँ, मटर, आलू या फिर जौ? कौन सी फसल गरीब आदमी का मित्र कहलाती है? चैट बॉक्स में आंसर करें।
जिन्होंने आंसर सी ऑप्शन दिया है, जिन्होंने आंसर सी ऑप्शन दिया है यानी आलू, उनका राइट आंसर है जो गरीब आदमी का मित्र कहलाते हैं वो आलू फसल कहलाते हैं, क्योंकि आलू है जो आदमी किसान को सस्ता मिल जाता है और जो गरीब होता है गरीब से गरीब उनको भी आलू खरीदने का मौका आराम से मिल जाता है, तो इसलिए इसको गरीब आदमी की मित्र माना गया है। गरीब आदमी का मित्र कौन सी फसल कहलाएगी, तो वो कहलाएगी हमारा आलू पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे डायरेक्ट बीमारी किससे संबंधित है, डे डायरेक्ट बीमारी संबंधित है चुकंदर से, गन्ना से, आलू से, तंबाकू से, किससे संबंधित है डे डायरेक्ट बीमारी, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जिन्होंने आंसर के रूप में आंसर दिया है, जिन्होंने आंसर के रूप में ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन आलू, यहाँ पर भी जिन्होंने पटाटो आंसर दिया है तो यहाँ पर डे डाइट बीमारी होगी वो पोटैटो से संबंधित होगी, किन से होगी पोटैटो से, डे डाइट यानी हृदय डेड हो जाता है, हर्ट यानी हृदय और डेड यानी मर जाना या मर्त हो जाना, तो यहाँ मर्त हृदय बीमारी, हिंदी में थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा और ये टर्म इंग्लिश के अंदर ही पूछी जाती है डेड हर्ट, तो डेड हर्ट बीमारी किससे संबंधित है, डेड हर्ट बीमारी संबंधित है आलू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों की फली को कहते हैं, सरसों की फली को कहते हैं, सरसों की फली को क्या कहते हैं, कैप्सूल, सिलिकुआ या फिर पोड या फिर कैरियोप्सिस, सरसों की फली को क्या कहते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें, और जो भी अभी देख रहे हैं और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और जो चैनल पर नए हैं वो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर दें, और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ लाइव प्रीमियर में जुड़ें। तो सरसों की फली को क्या कहेंगे, जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया उनका राइट आंसर है सरसों की फली को कहेंगे सिलिकुआ, क्या कहेंगे सिलिकुआ, और जो दलहनी फसल की फली होती है, जो दलहनी फसल की फली होती है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पोड, उसे क्या कहेंगे पोड, और इसी के साथ जैसे कैप्सूल है तो कैप्सूल फल प्रकार होगा किसका होगा, एक होगा भिंडी का, सब्जी में देखा जाए तो भिंडी का, और फल में देखा जाए आंवला है अफीम है, इनका होता है जो कैप्सूल टाइप का फल प्रकार होता है, और कैरियोप्सिस होता है फल, कैरियोप्सिस फल किनका होगा, जैसे धान गेहूँ इनके ऊपर जो छिलके का पतला छिलका पाया जाता है, पतले छिलके की परत पाई जाती है, उनका जो फल प्रकार होता है वो होता है कैरियोप्सिस, और जो सरसों की फली होती है वो होती है सिलिकुआ। समझ गए, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम बताएं ताकि उन्हें हम सॉल्व कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है, गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है, जल प्लावन विधि, रिंग विधि, थाला विधि या फिर क्यारी विधि, गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है, जल प्लावन, रिंग विधि, थाला विधि या फिर क्यारी विधि, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें, जिन्होंने आंसर डी ऑप्शन दिया है गेहूं के लिए सिंचाई की क्यारी विधि उनका राइट आंसर है, उनका राइट आंसर है जो गेहूं की सिंचाई हेतु उपयुक्त विधि है वो कौन सी है, क्यारी विधि या फिर चेक बेसिन, इसको दूसरा नाम क्या है इसका, क्यारी विधि का चेक बेसिन मेथड, चेक बेसिन मेथड, और जो ये थाला विधि होती है ये थाला विधि फल वर्गीय पौधों के अंदर जो सिंचाई के लिए काम में ली जाती है, और ये है रिंग विधि, रिंग विधि का भी उपयोग फल वर्गीय पौधों में किया जाता है, जब वे फल वर्गीय पौधे छोटे होते हैं उस समय प्रत्येक पौधे के चारों ओर एक रिंग बनाया जाता है और इस रिंग में फिर पानी दिया जाता है। एक फिर आती है जल प्लावन विधि,
जल पलावन विधि, ये जल पलावन विधि है जो धान के लिए उपयुक्त है। जब खेत को एक बाढ़ से जिस तरफ पानी आता है उसी तरफ भर दिया जाता है पानी से, वो होती है जल पलावन। यानी जल एकदम भर जाता है, उसके अंदर पौधे रहते हैं। फिर तो जल पलावन विधि है वो धान के अंदर सिंचाई की विधि है। रिंग विधि है जो छोटे फल वृक्षों के लिए, थाला विधि बड़े फल वृक्षों के लिए उपयुक्त, और क्यारी विधि है जो हमारी गेहूं फसल के लिए, सरसों की फसल के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों आज के लिए टेस्ट सीरीज में इतने क्वेश्चन, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में करेंगे आगे के क्वेश्चन। तब तक इस वीडियो को आप एक बार स्पीड से, इसकी स्पीड है जो 1.5 या 1.75 भी करके देख सकते हो यदि ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास लिंक को शेयर करें और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव प्रीमियर में जोड़ने की कोशिश करें ताकि आपको भी पढ़ने में आनंद आए। थैंक यू सभी को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, और बड़े अच्छे अच्छे और बहु उपयोगी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।